बच्चों अभी तक आप रेडी नहीं हुए। जी बाबा, जी बाबा। चलो रेडी हो जाओ जल्दी से, मामा नीचे वेट कर रही है बेटा गाड़ी में। क्या? हम बाहर जा रहे हैं। वाह, हम बाहर जा रहे हैं। चलो आ जाओ जल्दी से, जल्दी से आ जाओ। रुके बाबा, बाबा हम वैसे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? ये तो एक सरप्राइज है। सरप्राइज? अब जल्दी से चलो, फिर बताता हूँ कहाँ जा रहे हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो बच्चों जल्दी से आ जाओ वरना हम लेट हो जाएंगे। चलो 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 चलो। ये घर वाले सारे कहाँ चले गए? शैतान को छोड़ के कहाँ चले गए? Oh no! आज मैंने इनके साथ मिस कर दिया अपना बाहर जाना। लेकिन घर पे कोई नहीं है। इसका मतलब इस सारे खाली घर में सिर्फ शैतान है। चल शैतान, गुड मॉर्निंग। बड़ा मजा आएगा। आज तो ये शैतान इस घर में बिल्कुल अकेला है। अब मैं इस घर को सीधे से बिल्कुल उल्टा कर दूंगी। बहुत मजा आएगा। चलो आज तो मुझे खुल के इस घर की फोला फाली करने का मौका मिल रहा है। चल शैतान, कहां से शुरू करना है समझ ही नहीं आ रही, लेकिन चलो इट्स पार्टी टाइम। कमाल की एक्टिंग की है शैतान ने। ये क्या पढ़ा नीचे? ये कोई खाने की चीज है। खाने की चीज है। देखते हैं क्या है खाने के लिए। इस डब्बे को खोलना कैसे? ये खाने वाला लगता है। Oh no! अरे वाह, खाने वाली चीज है। Oh no! शैतान के दांत टूटने वाले होंगे। खैर, कुछ और ढूंढना पड़ेगा खाने के लिए। ये शैतान ज्यादा देर भूखा नहीं रह सकता। मुझे लड़ाइयां डलवाने के लिए खाने की जरूरत है। ये खाऊंगी सारा कुछ। इसमें क्या है खाने के लिए? कैसी अजीबो अजीब चीजें खाते हैं ये। खैर मजा आ रहा है। कुछ और खाने की जरूरत है। रखो, किचन में जाके देखती हूँ क्या खराब करना है। देखिए तो सही, इस घर का बेड़ा गर्क करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें मिलती हैं। ये क्या है? इसे क्या करते हैं? आउच!
इससे क्या होता है? हाँ, लगता है ये शोर करने के लिए है। वाह, अंदर जाके करते हैं। शैतान, गंद का छोड़, जल्दी से छुप जा, यहाँ पे तो। चलो आजो बच्चो, आजो। बहुत मजा आया हमने, हाँ बहुत मजा आया। चलो आजो, चलो 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 अंदर चलो बेटा। इसके नीचे छुप जा, इसे लेके ये मुझे देख ले, छुप जा। आउच। चलो आजो, चलो। ये क्या हुआ मेरे घर को? बच्चों, इतना गंद डाल के गए थे आप दोनों? अब देखना, मामा आएंगी ना तो कितनी डांट पड़ेगी आप दोनों को। पता नहीं चलेगा कि ये काम शैतान ने किया है। बाबा, ये हमने घर गंद नहीं डाला। तुम लोगों ने नहीं डाला तो फिर किसने डाला ये गंद? हालत तो देखो अपने घर की। अब यहाँ पे कोई जिन तो नहीं रहता, या कोई शैतान हो जो हमारे घर में? कोई भी नहीं है आप दोनों के अलावा। मजा आया बच्चों, अभी तो तुम लोगों को और भी बहुत सारे कारनामे देखने हैं मेरे। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बाबा, मैं सच कह रही हूँ, बाबा हमने गंद नहीं डाला। गंद? हाँ हाँ, गंद आप लोगों ने नहीं, शैतान ने डाला है। ओके, चलो अब सफाई करो, पीछे मामा आने वाली हैं। चलो आजो। अब्दुर्रहमान बेटा, आप यहाँ पे झूले लेने आए हो और गन ले आए हो साथ, वाटर गन, क्यों? हाँ बाबा, अब्दुर्रहमान मुझे पानी मारता है। मजा आता है। मेरा बेटा, आपको ये खेलने के लिए दी है, लेकिन ध्यान रखा करो इससे कोई डिस्टर्ब ना हो। ओके बाबा, ठीक है। शाबाश, आ जाओ आप खेलते हैं। चलो जाओ बच्चों खेलो, और मैं यहाँ पे बैठता हूँ, ठीक है? जाओ आज मारो, खेलते हैं, तो चलते हैं, भागो। बच्चों आराम से भागा करो। बाहर बच्चों को तंग करने का मजा ही बहुत आता है। आज तो मैंने दो बच्चे गिराए पार्क में, बहुत मजा आया। ओह नो, लेकिन अब मैं बोर होने लग गई हूँ। ये चिड़िये बहुत शोर करती हैं, ये चिड़िये कौन खा गई है मेरा? ये क्या है, चिड़ियों की आवाजें? मुझे बहुत बुरी लगती हैं चिड़ियों की आवाजें। कब से सर खा गई है मेरा, समझ नहीं आ रही आज क्या शैतानी दिखाऊं मैं। अब्दुर्रहमान, आओ वहां पर खेलते हैं। लगता है
अब इनको तंग करने का बहुत मजा आएगा। वैसे भी मुझे लगता है सब बोर हो गए हैं, इनको तंग करने चाहिए, उनको एंटरटेनमेंट लानी चाहिए। आज मैं इन बच्चों के साथ बहुत बुरा करने वाली हूँ। आज फिर से मैं कुछ शरारत करूंगी, क्योंकि शैतान का काम ही यही होता है, शरारत करना। जब तक इनको इस बात की समझ नहीं आएगी, मैं इनको यही बात समझाऊंगी। देखते हैं अब ये किस तरफ से जाते हैं, फिर मैं भी अपना काम पकड़ती हूँ। कहाँ जा रहे हैं? हैं? मरवा दराजा कैसे तूड़िया? पता नहीं अब्दुल मैं किसी गंदे बच्चे ने तोड़ा होगा। आप तो सही कह रही हो मरवा। चलो हम चल के खेलते हैं। अच्छा, झूले की तरफ जा रहे हैं। बस आज इन दोनों बहन भाइयों में से किसी एक को गिरा के छोड़ूंगी मैं। चलो शैतान शुरू हो जा अपने काम में। मैं तो ये वाली स्लाइड लूंगा। स्लाइड लूंगा। मैं तो इसके ऊपर चढ़ूंगी। दरवाजा किसने तोड़ दिया? अब लगा देंगे ये सब मुझ पे नाम कि शैतान ने किया। तो ये नहीं पता यहाँ पे हर काम शैतान नहीं करता, कुछ काम ये छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं। वो भी कम शैतानियाँ नहीं करते, उन्होंने तोड़ा होगा। देखो तो सही ये बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर मैं उसके ऊपर चढ़ के इसको धक्का देने में कामयाब हो जाती हूँ, शैतान सोच कितना मजा आएगा, कितना मजा आ रहा ऊपर से देखने का। मुझे बहुत मजा आता है जब मैं छोटे छोटे बच्चों को थका देती हूँ, उनको चोट लगती है, उनके रोने की आवाज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चों तुम लोगों को तो मैं एंड तक नहीं छोड़ूंगी, जब तक है शैतान तब तक रहेगी शैतानिया। मैं कैसे गिर गई, किसने मुझे धक्का दे दिया? काम है, मैं नीचे होके छुप जाती हूँ। छुप जाती हूँ, इधर ही नीचे हो जा रहा हूँ। उसे मरवा मैं आ रहा हूँ आपको बचाने के लिए। क्या हुआ मरवा, क्या हुआ मरवा, क्या हुआ? उठो उठो, क्या हुआ? अब तो रोज मुझे लगता है किसी ने मुझे धक्का दिया। किसने धक्का दिया था आपको मरवा? मुझे नहीं पता अब्दुल मान, मैंने नहीं देखा। मरवा मैंने देख लिया उसको। किसको देख लिया अब्दुल मान आपने? जिसने आपको धक्का दिया उसको मैंने देख लिया। कौन अब्दुल रहमान? मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ है।
अब बताओ अब्दुलरहमान, किसने मुझे धक्का दिया? अरे आपको पता है, शैतान ने आपको धक्का दिया। क्या, शैतान ने? जी मरवा। ये शैतान हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? शैतान को लगता है क्या हम गंदे बच्चे हैं। ये क्या बातें कर रहे हैं दोनों बच्चे? जी अब्दुलरहमान, शैतान समझता है कि हम उसकी बात मानेंगे, कि हम उसकी बात नहीं मानते, इसलिए तो शैतान हमें तंग कर रहा है। कभी शैतान हमें नहीं तंग करेगा। चल मरवा, हम शैतान को सबक सिखाते हैं। सबक बाबा मुझे गन दो। ये लो अब्दुलरहमान। लेकिन क्या हुआ बाबू? मैं आपको आपके बताऊंगा। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये दोनों। चल शैतान, आज का मेरा काम तो पूरा हो गया, अब तो मैं। चलो अब्दुलरहमान जल्दी से भाग कर आओ। अच्छा इस तरफ क्यों आ रहे हैं, और इनके हाथ में क्या है? अरे यहाँ तो कोई चुपने की जगह भी नहीं है। शैतान, मुझे गिराया था ना शैतान, धक्का मारा था। अब मैं बताऊंगा आपको शैतान। बच्चों देखो, शैतान ने कुछ नहीं किया, इसमें शैतान का कोई काम नहीं था। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, अब धक्का मुझे क्या पता तुम गिरी थी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम वहां से गिरी थी। मेरा मतलब है कि मुझे नहीं पता कि तुम गिरी थी, मैंने तो कुछ नहीं किया। बच्चों मेरी बात सुनो, ऐसा करो ये गन मुझे दे दो, मैं वहां रखाती हूँ, हम बैठ के बात कर लेते हैं ना। इधर देखो कितने बेंच लगे हुए हैं, बैठ के बात कर लेते हैं, और नहीं तो झूले पे बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन ये गन रख दो, शैतान को पानी वाला मजाक अच्छा नहीं लगता। देखो शैतान को पानी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो इसको रख दो प्लीज। अब्दुलरहमान रेडी हो ना? मैं रेडी हूं मरवा। ए शैतान पानी, ये दोनों मेरे पीछे कहां से वाटर गन ले आए हैं। बुरी हालत हो गई भाग भाग के। हैं? मैं इतनी देर से भाग क्यों रही हूँ जबकि मैं गायब हो सकती हूँ? ओहो शैतान, क्या हो गया मुझे, मैं तो गायब हो सकती हूँ तो मैं इतनी देर से भाग क्यों रही हूँ? ओहो, अब इससे पहले कि ये बच्चे मुझे देख ले गायब हो जाए शैतान। शैतान कहाँ गया? हैं? भाग गया बुजदिल शैतान, हमसे डर गया। अच्छा सबक सबक सिखाया। चल बरवा अब घर चलते हैं। देख लिया ना बच्चों, स्विमिंग पूल में आज मेंटेनेंस हो रही है और सफाई करेंगे आज, कल ओपन करेंगे, तो फिर आके कल स्विमिंग कर लेना आप, ठीक है? बाबा प्लीज, आप प्रॉमिस लेकर आएंगे कल? जी बच्चों प्रॉमिस, कल मैं पक्का आप दोनों को लेके आऊंगा, ठीक है? चलो आ जाओ, अब नीचे खेलो आप लोग, तब तक ठीक है? आज आप दोनों यहाँ पे नीचे खेल लो, ठीक है? बाबा खोल दे, कैंडी खानी है। तो मैं खोल दूँ, लेकिन दोनों शेयर करके खाना, ओके? मरवा के साथ आप भी। ओके बाबा। ये लो, चलो जाओ यहीं पर खेलो आप, ठीक है? आराम से खेलना बच्चों। जी बाबा। जी बाबा ठीक है। आप लोग खेलो, मैं थोड़ी सी वॉक करके आता हूँ, ठीक है? ओके बाबा। ओके बाबा। चलो अब्दुलरहमान चल के खेलते हैं। मरवा मेरे पास एक आइडिया है। बताओ
अब्दुलवान क्या आइडिया है? मरा हेलीकॉप्टर में वहाँ जाके खेले। वाह अब्दुलवान आपने तो अच्छा आइडिया सोचा। चल चलते हैं। ठीक है आजो मरा अच्छा से खेलूंगी वहाँ। ये अब्दुलवान बच्चों ये क्या कर रहे हो आप दोनों? बाबा हम खेल रहे हैं। बच्चों ये कैसे खेल खेल रहे हो आप दोनों? बाबा बहुत मजा आ रहा है। नहीं बच्चों इस तरह से खेल के आप दोनों को चोट लग सकती है। अब्दुलरहमान कल भी आपको ऐसे ही चोट लगी थी। ओ ये तो स्क्रैच है। चलो बच्चों ऐसी गेम नहीं खेलनी जिससे आप लोगों को चोट लगे। ओके ओके बाबा कुछ नहीं होगा। मेरे दोबारा आने तक आप लोग ये खेल ना खेलते हो ना। ओके अब्दुलरहमान आज तो मुझे बहुत खेलने के बुला रहे। बच्चों आप लोग फिर से ये खेल खेलने लग गए हो। अभी तक आप लोगों ने ये गेम खेलनी नहीं छोड़ी। बाबा हमें बहुत मजा आ रहा है। बच्चों ये डेंजरस है आप दोनों को चोट लग सकती है। क्यों ऐसे खेल खेलते हो? जाके घर से साइकिल ले आओ साइकिल चला लो स्कूटर ले आओ आप स्कूटर चला सकते हो। ये खेल नहीं खेलो इससे आपको चोट लगेगी बेटा। कुछ नहीं होता बाबा मोटरसाइकिल से बोरिंग होता है स्कूटिंग भी बोरिंग होती है इसका मजा आ रहा है। चलो चलो जाओ। ओ बच्चों कब बात मानोगे मेरी। बच्चों ये लास्ट वार्निंग मैं दे के जा रहा हूँ आप दोनों को। ये डेंजरस है इससे आपको चोट लग जाएगी। ओके खत्म कर दो इसको गेम को। ओके मैं आ रहा हूँ। चलो अब्दुलरहमान खेला बहुत मजा आ रहा है ज्यादा खेलते हैं। चलो अब्दुलरहमान जाओ। माय टर्न। ओ ओ आ आ आ मरवा में खेलने आ लाऊं मरवा में खेलने आ लाऊं आ आ आ आ आ क्या हो गया क्या हो गया? मैंने मना किया था ना आपको कि इस तरह नहीं खेलो। आप लोग बात ही नहीं सुनते किसी की। कितनी दफा मैं मना करके गया हूँ आप दोनों को कि ये झूला लेना बंद कर दो। आप दोनों तो मेरी बात ही नहीं सुनते हो। अब खबरदार आप दोनों मुझे इसके पास भी नजर आए तो चुप करके वहां जाके बैठ जाओ। चलो 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 जाओ उधर जाके बैठो। खबरदार आप कोई गेम खेली आप दोनों ने। खबरदार मैं ना देखूं दोबारा आप दोनों को कोई गेम खेलते हुए और स्पेशली ये वाली गेम। इतना मजा आ रहा था। बाबू ने हमने खेलने से मना कर दिया। मना अब हम यहाँ बस यहाँ बैठ कर बोर ही होंगे। बड़ा मजा आया आज तो मैं स्विमिंग पूल वालों का काम खराब करके आई। क्या मजा आ रहा है मुझे इस बिल्डिंग में काम करने का। चलो अब नीचे जाके देखती हूँ आज मैंने और किसको तंग कर लिया। हवा तो बड़ी तेज चल रही है। मजेदार प्लान करती हूँ आज मजा आएगा। क्या बात है आज ये बच्चे इतना उदास उदास क्यों लगे? Oh, no. समझ नहीं आ रही आज इनकी खामोशी और उदासी की वजह। शैतान क्या पता इनको आज तेरी जरूरत हो। जाके पूछती हूँ हुआ क्या इनको। कोई जादू चलाती हूँ अपना। ऐसे बैठे हुए मुझे अच्छे नहीं लग रहे। चल क्या बात है बच्चों
बाबा ने ऐसे ही हमें खेलने से मना कर दिया। इतना मजा आ रहा था, फिर से जाके खेलना मरवा। अब तो मां-बाप नहीं, बाबा हमें खेलने नहीं देंगे, बोर होएंगे अब यार। तो फिर तो तुम दोनों को जाना चाहिए। जब कोई मना करे तो वो काम डट के करना चाहिए, इसी का तो मजा आता है। अगर हम गए तो बाबू से डांट पड़ जाएगी। क्या करें अब्दुर्रहमान? करना क्या है बच्चों, जाओ और जाके वही खेलो। डांट की टेंशन नहीं लेती, डांट ही पड़ेगी ना ज्यादा से ज्यादा, वो भी थोड़ी सी, उससे क्या होता है। लेकिन जो खेल खेलने में मजा आए वो ही करना चाहिए। ये मत सोचो कि बाबा ने क्या कहा था, मेरी बात मानो और जाओ जाके खेलो। जाओ बच्चो, सोचो नहीं, जाओ जाके खेलो, वो झूला तुम लोगों का इंतजार कर रहा है, जल्दी जाओ। चल मेरा जाके खेलते हैं। चलो अब्दुर्रहमान चलते हैं, आप ठीक कह रहे हो। जाओ जाओ बच्चो, अब तुम दोनों को डांट पड़ेगी और शैतान का काम पूरा हो जाएगा। है, अब मुझे जाना चाहिए, मैं छुप के ये सारा काम देखूंगी। कोई बात नहीं अब्दुर्रहमान, ज्यादा से ज्यादा बाबा डांटेंगे तो कुछ नहीं होता। अब मेरी बात, क्या हो गया आप दोनों को? ओहो, ये क्या हो गया आप दोनों को? कैसे गिर गए, कैसे लग गई आप दोनों को? मैंने आप दोनों को मना किया था ना इधर खेलने से, तो फिर बेटा आप लोग खेलने लग गए। कैसे गिर गए आप? चलो इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ, इधर बैठो आराम से दोनों। अब बताओ कैसे गिर गए आप दोनों? बच्चों मुझे पहले ही पता था ये बहुत डेंजरस गेम है और आप दोनों को चोट लग सकती है। ओहो, ये क्या हो गया आप दोनों को? कैसे गिर गए, कैसे लग गई आप दोनों को? आप दोनों को मैंने इतनी मरतबा मना किया है, लेकिन आप दोनों ने मेरी एक बार भी बात नहीं सुनी। अब देख लिया ना, बात ना मानने का क्या नतीजा हो गया। आओ बाबा, मुझे बहुत दर्द हो रही है। आओ, मुझे बहुत दर्द हो रही है। मेरे बच्चों, मुझे पता था आप दोनों के साथ यही होगा, इसीलिए मैं आप दोनों को मना कर रहा था। जब बड़े किसी बात से मना करते हैं तो उसमें आपका ही फायदा होता है। जब आप बड़ों की बात नहीं मानते तो शैतान आपको गलत काम करने के लिए कहता है। शैतान, शैतान। और जब आप शैतान की बात मान लेते हो तो वही होता है जो अब हुआ है। देखा ना कितनी जोर से चोट लग गई आप दोनों को। सॉरी बाबा, बाबा ऐसा नहीं करेंगे। जी बाबा सॉरी, हमने गलती से शैतान की बात मान ली, सॉरी। कोई बात नहीं बच्चों, ये भी आप दोनों के लिए एक लेसन है। दोबारा जब भी कोई बड़ा किसी बात के लिए मना करे तो मना हो जाना चाहिए। ओके बाबा। चलो आप घर चलते हैं, ठीक है? मामा वेट कर रही होंगी। चलो आजो, मैं आप दोनों को घर लेके चलता हूँ। चलो मेरे बच्चों। हेलो। हाँ मेरी प्यारी बेटी, आज मैं पक्का अपनी बेटी के लिए कलर्स लेके आऊँगा। मेरी बेटी क्लास में फर्स्ट आएगी इंशाल्लाह। हाँ मैं आज लेके आऊँगा, आज मेरे पास पैसे हैं, मैं अपनी बेटी के लिए ज़रूर लेके आऊँगा ये चीज़ें, ठीक है? आजो अब्दुर्रहमान, झूले लेने चलते हैं। मरवाई क्या है अब्दुर्रहमान? ये तो किसी के पैसे हैं। मरवाए किसके पैसे हैं? पता नहीं अब्दुर्रहमान, पता नहीं किसके गिर गए पैसे। पैसे? कौन से पैसे? किसके पैसों की बात हो रही है इधर? लगता है इन बच्चों को पैसे मिले हैं।
बड़ा मुझे दिखाओ पैसे। हाँ, इन बच्चों को तो पैसे मिले हैं। अब मुरमा, अब हम इन पैसों का क्या करें? I think मुरमा, हम देखते किसके पैसे हैं। ठीक है अब्दुल रहमान, आओ ढूंढते हैं किसके पैसे हैं, फिर उनको वापिस दे देंगे। आइडिया मरवा। क्या वापिस कर देंगे पैसे? ऐसे कैसे वापिस कर देंगे पैसे? नीचे गिरे हुए पैसे वापिस करने के लिए थोड़ी होते हैं। इन बच्चों को कौन रोकेगा अब? ये तो अच्छा काम करने जा रहे हैं, और अच्छा काम करने से रोकना सिर्फ और सिर्फ शैतान का काम होता है। इससे पहले कि ये बच्चे ढूंढ लें कि ये पैसे उस आदमी के हैं, शैतान इनको रोक, वरना ये पैसे वापस करके अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम तो इस दुनिया में मैंने किसी को नहीं करने देना। चल जाके इनको रोक। मरो मरो, रुको मैं आता हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया अब्दुल रहमान, पता नहीं कहाँ चला गया अब्दुल रहमान। मरवा, मैं तो ये शर्ट पहने गया था। अब्दुल रहमान चलो, हमें ढूंढना भी है ये पैसे किसके हैं। ओके मरो, चले चलते हैं। चलो चले अब्दुल रहमान। अब देखना मैं इन दोनों का रास्ता कैसे रोकती हूँ, पैसे कैसे ये अच्छा काम करने जा सकते हैं, जबकि मुझे ये चीज पसंद ही नहीं है। मैं इस दुनिया में अच्छा काम इतनी आसानी से नहीं करने दूंगी सबको। चल तुम लोग के रास्ते में रुकावट, इसी को कहते हैं शैतान ने रास्ता रोक दिया। अब मैं तुम दोनों का ज़हन बदल दूंगी और तुम दोनों अच्छा काम करने से रुक जाओगे। चलो बच्चों, क्या करना है ये पैसे वापस देके? अपने पास रखो पैसे, चीजें खाओ इन पैसों की। बहुत दर्द हो रही है अब्दुल रहमान। चल मरवा, मैं आपको खाता हूँ। चलो अब्दुल रहमान, जाके पैसे वापिस कर आए। जाओ इन पैसों को अपने ऊपर खर्च करो, जाके उल्टी सीधी चीजें खरीदो और वो खाओ ताकि तुम लोग बीमार हो जाओ। रुको मरवा, क्या हुआ अब्दुल रहमान? मरवा मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे अब्दुल रहमान? हमें पैसों की चीज खा ले, अब मजा आएगा। क्या? नहीं मरवा, हम पैसों से चीज खाते हैं, बहुत मजा आएगा, आइसक्रीम लेंगे। अब्दुल रहमान ये तो इतना अच्छा आइडिया है, वैसे भी किसी को पता भी नहीं चलेगा ये पैसे हमारे हैं। हमें मीठे से मिले हैं। चलो मरवा मार्केट चले। चलो अब्दुल रहमान अब चलते हैं। शाबाश, ये हुई ना बात। अब तुम लोगों ने शैतान की बात मानी है, शैतान तुम लोगों से खुश हुआ। हाँ मेरी प्यारी बेटी, कल एग्जाम है, मैं अपनी बेटी को कलर ला के दूंगा तो क्लास में टॉप करेगी, इससे मेरा नाम रोशन होगा। चलो मैं जाके उसके लिए कलर ले आता हूँ। हैं? मेरे पैसे? मेरे पैसे कहाँ गिर गए? मेरे पैसे कहाँ चले गए? मैंने तो जेब में रखे थे पैसे, कहाँ चले गए मेरे पैसे? कहाँ गए मेरे पैसे? मैंने तो खुद रखे थे अपनी पॉकेट में, कहाँ गिर गए मेरे पैसे? कहाँ गए मेरे पैसे? कहीं नीचे तो नहीं गिर गए मेरे पैसे? मुझे ढूंढने पड़ेंगे, कहाँ गए? ओ या अल्लाह, मेरे पैसे कहाँ चले गए?
कहाँ चले गए? जहाँ जहाँ से आया था वहीं से जाके देखता हूँ कहाँ चले गए मेरे पैसे। मैंने तो अपनी बच्ची के लिए कलर लेने थे रे। अब्दुर्रहमान मैं तो ना रैम्बो आइसक्रीम लूंगी। मैं तो बहुत अच्छी सी रैम्बो आइसक्रीम लूंगी। शैतान जाके देख ये बच्चे वहाँ क्या कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही इन बच्चों की। अरे बच्चों तुम लोग उस तरफ क्या कर रहे हो? कहाँ चले गए मेरे पैसे समझ नहीं आ रही। मैं अपनी बेटी के लिए कलर्स कैसे लेके जाऊंगा? अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? कहाँ गिरा दिए मैंने अपने पैसे? अगर मैंने अपनी बेटी को कलर ना लेके दिए तो वो क्लास में सबसे पीछे रह जाएगी। वो मुझसे नाराज हो जाएगी। उफ, कहाँ गुम कर दिए मैंने अपने पैसे। अब्दुर्रहमान इसका मतलब के अंकल के पैसे थे ये? जी मरवा, और हम अंकल के पैसों से चीज लेने जा रहे थे। आप से क्या रही हूँ मरवा? अगर हम अंकल को पैसे नहीं देंगे तो उनकी बेटी स्कूल में फेल हो जाएगी। ये तो बुरी बात है। जी अब्दुर्रहमान हमने इतना बुरा किया। अब्दुर्रहमान चलो अंकल को पैसे वापिस करके आते हैं और सॉरी भी कर देते हैं। ठीक है मरवा। क्या कर रहे हो बच्चों? चलो अब्दुर्रहमान अंकल के पास चलते हैं और उनको पैसे दे देते हैं। अंकल क्या बात है बच्चों? अंकल ये आपके पैसे। अरे हाँ ये तो मेरे पैसे हैं। आपको कहाँ से मिले? हमें आपके पैसे वहाँ गिरे हुए मिले थे। तुम लोग उसके पास क्या कर रहे हो? ये लो अंकल आपके पैसे। शुक्रिया बच्चों, आपने आपको नहीं पता आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। थैंक यू अंकल। बहुत प्यारे बच्चे हो आप दोनों। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू अंकल। अरे बच्चों ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? बर्बाद कर दिया इस शैतान को। इतनी मेहनत से मैंने तुम लोगों का रास्ता रोका था, तुम लोगों ने जाके उसके पैसे वापिस कर दिए। शैतान को गुस्सा आ रहा है तुम लोगों के ऊपर। शैतान को समझ आ गई है जब ये दोनों बहन भाई एक साथ होते हैं तो इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है और ये शैतान की बातों में भी नहीं आते। अब मैं तुम दोनों को अकेले अकेले टारगेट करूंगी। देखते ही रह जाओगे। शैतान ऐसे ऐसे प्लान बनाएगा कि तुम लोगों के आंसू निकलेंगे। रोगे तुम लोग और याद करोगे शैतान को। अब मैं जा रही हूँ, नेक्स्ट एपिसोड में आऊंगी। वाओ इतनी अच्छी फ्लावर्स हैं, बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं, बहुत अच्छे। वो देखो आगे। मरवा क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं बाबा, मैं तो फ्लावर्स को देख रही थी, मुझे अच्छे लग रहे हैं। अच्छा तो अब्दुर्रहमान कहाँ है? बाबा अब्दुर्रहमान इधर ही है, साइकिल चला रहा है। चलो फिर आप ध्यान से खेलो, मैं अब्दुर्रहमान को देखता हूँ कहाँ गया। ओके बाबा। कहाँ गया अब्दुर्रहमान? कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं फ्लावर्स। वाओ मुझे ये बहुत प्यारे लग रहे हैं, आगे वाले भी बहुत प्यारे लग रहे हैं ना ये फूल। मुझे भी ये फूल पौधे बहुत पसंद हैं। क्या ख्याल है
अगर तुम इन फूल पौधों को तोड़ दो तो कितना मजा आए, है ना? Oh, no. तोड़ दो इन फूलों को, इन फूल पौधों से प्यार नहीं करना चाहिए, इनको तोड़ के मार देना चाहिए। जल्दी से तोड़ो इनको, जल्दी करो। इन फूलों को तोड़ते हैं, ये सारे पौधे तोड़ दो यहाँ से, तभी तो अच्छे लगेंगे तुम्हें। यहाँ लगे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। oh, no. ये फूल तो तुम्हारे हाथ में होने चाहिए, इनको तोड़ो। मैं इन पौधों को तोड़ दूं? मैं क्या करूं? मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो तोड़ दो, तभी तो कह रही हूँ। तोड़ दो इन फूलों को, ना ये क्या फायदा इन फूलों का यहाँ पे, इनको तोड़ दो जल्दी से। ऐसा करती हूँ मैं कि इन पौधों को मैं तोड़ देती हूँ, मैं इनको घर लेकर चल जाऊंगी, मेरा घर बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा करती हूँ मैं कि मैं इन पौधों को मैं तोड़ देती हूँ। रुको मरवा, क्या कर रही हो? रुक जाओ मरवा। अब्दुल रहमान, आप? ये कहां से आ गया? आप इतनी देर से तो ये नजर ही नहीं आ रहा था। चलो अब ये इसको कोई काम नहीं करने देगा। मरवा क्या कर रही हो? अब्दुल रहमान, मुझे ये फ्लावर अच्छा लग रहा था तो मैं तोड़ रही थी। ओह नो मरवा, ये फूल नहीं तोड़ते, ऐसे बुरी बात होती है और बुरा भी होता है। लेकिन अब्दुल रहमान मुझे दिल कर रहा है, मुझे अच्छे लग रहे हैं फ्लावर्स, कि मैं अपने घर में लेकर चला जाऊं। हाँ मरवा, आपको दिल नहीं कर रहा, आपको शैतान तंग कर रहा है। क्या तुम्हारा शैतान मुझे तंग कर रहा है? यस वही कह रहा है। आप सारे फ्लावर्स तोड़ो। अरे ये क्या बोल रहे बच्चे? ओ नो अब्दुल रहमान, मैं तो शैतान की बात मान रही थी। नहीं तोड़ो मरवा, तुम फूल तोड़ो, इसकी बातों में नहीं आओ, ये सही बात नहीं कर रहा। चलो शैतान शैतान, मरवा को ना तंग करो, मुझे भी नहीं। सही कह रहे हो अब्दुल रहमान, हमें शैतान की बात नहीं माननी चाहिए। ठीक कह रही हूँ मरवा, शैतान हम आपकी बात नहीं मानेंगे। चलो मरवा चलते हैं। चलो अब्दुल रहमान चलते हैं। आज मेरा साइकिल चलाता है। चलो अब्दुल रहमान अब हम खेलते हैं। चले गए, शैतान की बात माने बगैर चले गए। ओह नो। अच्छा भला मैं उससे गलत काम करवाने लगी थी, लेकिन ये जो छोटा है ना, ये कभी मुझे कोई सही काम नहीं करने देता। शैतान की बात माने बगैर ये लोग यहाँ से कैसे जा सकते हैं? ये बच्चे शैतान की बात क्यों नहीं मान रहे? इन बच्चों को मैंने अब हमेशा तंग करना है, ये मेरी बात नहीं सुनते, इनको मैंने खूब तंग करना है अब। शैतान चल इनके पीछे पड़ जा, हिम्मत नहीं हारनी, ऐसे नहीं छोड़ना इनको। मरवा शैतान नहीं अच्छा होता, उसकी बात नहीं सुनो। आप सही कह रहे हो अब्दुल रहमान, मैं नहीं मानूंगी। मरवा हम यहाँ चलाते हैं साइकिल, यहाँ पर कोई भी नहीं तंग करेगा। ठीक है अब्दुल रहमान, यहाँ पर कोई गाड़ी भी नहीं आएगी। ए, बहुत मजा आ रहा है। ये, ये। ए बहुत मजा आ रहा है। आ अब्दुल रहमान मुझे पकड़ो। ए बहुत मजा।
कर करके ना थोड़ी देर जाकर बैठ जाते हैं। ठीक है मोरा, हम बैठ जाते हैं। मैं थक गई हूँ अब्दुल रहमान, चलो वहाँ बैठते हैं। हाँ मोरा, यहाँ साइकिल पार्क करते हैं। ठीक है, उतर जाओ अब्दुल रहमान। हम उसके बाद रेस करेंगे। ठीक है अब्दुल रहमान, पहले हम ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम रेस कर लेते हैं। ओके। अच्छा तो ये बच्चे यहाँ पर खेलने आए हैं। देखूं तो सही क्या कर रहे हैं ये बच्चे। अच्छा तो ये बच्चे अपनी साइकिल यहाँ छोड़ के गए कहाँ हैं? देखना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ गए हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे शैतानी करने के लिए कुछ मिल गया है। देखो तो सही इनकी साइकिल खराब कैसे करनी है। नहीं, ये वाली बहुत छोटी है, इस वाली साइकिल का कुछ करती हूँ मैं, क्योंकि इसने मेरी बात नहीं मानी थी। हाँ गुड आइडिया, इसको मैं पूरी तरह से तोड़ देती हूँ, यही सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन इसको तोड़ना कैसे है, क्या करूँ मैं इसको तोड़ने के लिए? ये क्या है? ओ! ये तो बेल बज गई। ओह नो! मरवा, आपकी साइकिल की बेल की आवाज है। हाँ अब्दुल रहमान, अब क्या करूँ शैतान? चल के देखते क्या हुआ। बच्चों अगर आप तुम लोगों ने देखी है तो देखो तुम्हारी शैतान साइकिल लेके भाग रहा है। मरवा बेटा, होमवर्क कर लिया? जी बाबा, बस थोड़ा सा रहता है। अच्छा तो फिर जल्दी से होमवर्क कर लो बेटा, कल फिर सबने आना है। बाबा कल कौन आ रहा है? बेटा कल हमारे घर में सब लोग आ रहे हैं, कल दावत है। अच्छा बाबा। और जमजम भी आएगी। रियली बाबा, जमजम भी आएगी? जी बेटा जमजम भी आएगी। फिर तो मैं जल्दी से होमवर्क कर लेती हूँ। अच्छा बच्चों तुम लोग काम करो, मुझे बाहर कुछ काम है, मैं वो करके तो अभी आता हूँ। ठीक है? ठीक है बाबा। क्या इसका मतलब है कि कल घर में बड़ा कुछ होने वाला है, खाने को भी बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन वो तो कल की बात है, आज मैं क्या करूँ यहाँ? अपना कोई दिन खाली नहीं छोड़ना। अच्छा पढ़ाई हो रही है, क्यों ना मैं इसको तंग करूं, पढ़ने से मना करूं, कुछ ऐसा करूं कि इसका होमवर्क ना हो। oh, no. इसको डांट पड़े स्कूल से। आज मैं कुछ ऐसा करूंगी वो खराब हो जाएगा, इसको डांट पड़ेगी और फिर ये दोबारा स्कूल जाने का नाम ही नहीं लेगी। लेकिन मुझे ये नहीं भूलना कि काम शैतान करेगा लेकिन नाम किसी और का आएगा। शैतान अपना नाम किसी काम में नहीं आने देता, और इसी तरह से आज मैं ये वाला काम करूंगा। देखते हैं।
जरूरी नहीं होता। पढ़ाई के टाइम नींद बहुत अच्छी आती है। चलो जल्दी से सो जाओ। हाँ, मैं थक गई हूँ। मुझे नींद आ रही है। मैं पेंसिल रख कर सो जाती हूँ थोड़ी देर। ये तो सो गई। अब मैं अपना काम दिखाऊंगी। क्यों ना मैं इसकी सारी कॉपियों को इस पेंसिल की मदद से खराब कर दूं। Oh, no! और फिर इसका इल्जाम लगा दूंगी इसके छोटे भाई पे। मजा आएगा। इन दोनों में लड़ाई होगी। इसको स्कूल से भी डांट पड़ेगी और घर से अलग डांट पड़ेगी। जब तक है शैतान तब तक रहेगी शैतानिया। तो इसको भी खराब कर दो। शैतान क्या कर रहा है? तो मैं देखता हूँ। शैतान मरवा की कॉपी खराब कर रहा है। मैं देखता हूँ शैतान को। अभी बता दूँ शैतान को। इसको भी खराब कर दो। इसको भी खराब कर दो। मैं शैतान की फोटो बताता हूँ। अब शैतान को पता चलेगा। अब मैं अपनी गेम खेलता हूँ। मेरा तो हो गया आपका तमाम। ये जाने और इसका छोटा भाई। मैं तो जा रही हूँ कुछ और करने। अब भाई का मजा। मेरी कॉपी? ये किसने किया मेरी कॉपी के साथ? सारी मेरी कॉपी खराब कर दिया। अब मुझे टीचर से डांट पड़ेगी। मम्मा बाबा से भी डांट पड़ेगी। किसने किया ये? हाँ सोचो सोचो, किसने किया ये काम? सारी कॉपी खराब कर दी। सोचो जल्दी जल्दी सोचो। मुझे पक्का पता है कि अब्दुल मान ने किया। ये चीज, यही तो मैं चाहती थी कि काम करे शैतान और नाम लगे किसी और का। बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने बिल्कुल सही कहा। ये काम अब्दुल रहमान ने किया है। तुम जानती हो इसके बाद तुमने क्या करना है? जाओ और जाके उससे लड़ाई करो। Oh, no! जाओ, जाओ, जल्दी जाके उससे लड़ाई करो। अभी मैं अब्दुल मान से पूछती हूँ। मरवा, अब्दुल रहमान, ये आपने क्या किया? क्या किया मैंने? मरवा को गुस्सा क्यों आया है? आपने मेरी सारी कॉपी खराब कर दी है। कॉपी? वेरी गुड। लड़ो लड़ो और जोर जोर से लड़ो। मैं तो कहती हूँ एक दूसरे के बाल खींचो। अब आपकी वजह से टीचर से मुझे डांट पड़ेगी और मुझे मम्मा बाबा भी डांटेंगे। नहीं मरवा, मैंने नहीं खराब की। लड़ो लड़ो। मुझे पता है अब्दुल रहमान, आप झूठ बोल रहे हो। मरवा मैं सच बोल रहा हूँ। आपने मेरी कॉपी को खराब की है। रुको मरवा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। क्या? क्या दिखाना अब्दुल रहमान? ये क्या दिखाने लगा? देखो मरवा, ये देखो।
ये कहां से आ गया इसके पास? Oh no! इसने कैसे देख लिया? शैतान तू पकड़ा गया। देखा, मैंने नहीं किया था, शैतान ने किया था। इसका मतलब कि मेरी कॉपी आपने नहीं की, शैतान ने की है। जी मरवा, मैंने खराब किया। मैंने खुद देखा था कि शैतान ने की है। अब हम क्या करेंगे? अब हम शैतान को सजा देंगे। अब्दुल रहमान आप सही कह रहे हो, शैतान को सजा देनी चाहिए। नहीं बच्चो, शैतान ने कुछ नहीं किया। बच्चो शैतान शैतान अब बताते शैतान को सजा मिलेगी। अब लगता है मेरे पास आ रहे हैं। ये शैतान गायब हो जा, गायब हो जा, हाँ गायब हो जा। शैतान गायब हो गया। अब्दुल रहमान शैतान तो गायब हो गया। कोई बात नहीं मरवा, हम शैतान को अक्तर देख लेंगे। चलो अब्दुल रहमान हम चलते हैं। ओके मरवा चलो चले। ये टॉय कहाँ से आ गया बीच में? कल आपने अब्दुल रहमान को टॉय लेके दिया, आज आप मुझे लेके देंगे। ओ बच्चों, अब रोज रोज कहीं ना कहीं से आपका टॉय निकलता है, कभी आपको लेके देना पड़ता है, कभी अब्दुल रहमान को। प्लीज बाबा, मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ ना। प्यारी बेटी तो आप हो मेरी। ठीक है बच्चो, पहले हम खेलेंगे फिर टॉय का सोचेंगे। अब आ जाओ झूले लेते हैं। ओ बाबा चॉकलेट। बाबा हमें से नीचे से चॉकलेट मिली। चॉकलेट ओहो बच्चा छोड़ दो इसको, फेंक दो इसको। क्यों बाबा? बाबा कैंडी चॉकलेट दाल में खा लूंगा। नहीं बच्चों, नीचे से उठा के कोई चीज नहीं खाते, ये आप के खाने के लिए सही नहीं है। वो क्यों बाबा? बच्चों कुछ पता नहीं, क्या पता किसी ने इसके अंदर कुछ मिला के रखा हो। अगर आप ये खा लोगे तो आप बेहोश भी हो सकते हो। इसी तरह से किडनैपर को मौका मिल जाता है और वो बच्चे उठा के ले जाते हैं। किडनैपर! Oh no! इसलिए बच्चों नीचे से उठा के कोई चीज नहीं खाते। फिर हम क्या करें इस चॉकलेट का? इसको जहरों दे? नहीं बच्चों, हम इसको डस्टबिन में फेंकेंगे ताकि कोई बच्चा इसको लेके ना खाए। ओके बाबा। चलो जाओ बच्चों, वो डस्टबिन में जाके उसको अंदर फेंक के तो फिर जाओ झूले लो। चलो जाओ डस्टबिन में फेंक के और झूलों की तरफ आ जाओ, ठीक है? शैतान, ये तुम लोग क्या करने लगे हो? हम इस खराब चॉकलेट को डस्टबिन में फेंकने लगे। अरे ये चॉकलेट, इसको खाओ, इसको फेंकना नहीं है। वो क्यों शैतान? पापा ने कहा है कि इस चॉकलेट को फेंक दो क्योंकि चॉकलेट ये खराब है। तुम लोगों को मैंने कितनी बार समझाया के मामा बाबा की बात नहीं मानते। Oh, no. नहीं ये शैतान, मामा बाबा ठीक बात कहते हैं। हमने शैतान की बात नहीं सुननी। इस चॉकलेट को खा लो, खाने की चीज है। नहीं ये खाने के लिए ठीक नहीं है। फेंक के क्या मिलेगा तुम लोगों को? खा लो इसको, ऐसा कुछ नहीं होता। हम इसको नहीं खाएंगे। ठीक है फिर फेंक दो। वैसे तुम लोगों की जगह अगर मैं हूं ना तो
से नीचे गिरी हुई किसी चीज को ना मैं छोड़ू। ठीक है शैतान, हम इसे कचरे में फेंकते हैं। इसको तुम खा लो कचरे से। चलो अब तुम्हें चलते हैं, शैतान ये खुद खा लेगा। चलो खेलने चलते हैं। इन बच्चों को तो कोई सही बात करने का फायदा ही नहीं है, ये लोग किसी मौके से फायदा नहीं उठाते हैं। बेवकूफ बच्चे, यहाँ पे शैतान होता ना तो उसने पूरा मौके का फायदा उठाना था और उस चॉकलेट को खा लेना था, लेकिन तुम लोग कभी भी शैतान की जैसे नहीं हो सकते। शैतान सिर्फ और सिर्फ अलग है तुम लोगों से अलग। खैर मुझे क्या, मैं तो जाऊं, क्या पता मुझे भी कोई ऐसी चीज मिल जाए। अब्दुल रहमान, शैतान हमेशा गलत बात कहता है। मरवा, मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? जी मरवा, आइडिया। क्या आइडिया अब्दुल रहमान? या अरे क्या करूं मैं, पैसे? लगता है शैतान को नीचे गिरे हुए पैसे मिल गए। अब देखना शैतान इस मौके से कैसे फायदा उठाएगा। अब मैं उठाऊंगी मौके से फायदा, शैतान हो जाएगा मालामाल। हैं? लगता है हवा चल रही है। इतनी हवा तो नहीं चल रही है, क्या बात है। आज शैतान को पहली दफा किसी चीज से डर लग रहा है। Oh, no. ये क्या हो रहा है? एक और बार ट्राई करके देखती हूँ। अरे ये पैसे मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? चलो लाओ अब्दुल रहमान। एक और बार ट्राई करके देखते हैं। Hey. ये पैसे मेरे हाथ। ये पैसे कहाँ भागी जा रहे हैं? मैं इनके पीछे पीछे और ये पैसे आगे 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 जाके देखना पड़ेगा। हाँ ज्यादा दूर नहीं है, किधर ही हैं पैसे? अब मैं पकड़ सकती हूँ। अरे ये क्या हो रहा है, ये हवा किस रुख की है, कुछ समझ नहीं आ रही। जब भी मैं पैसों के पास जाती हूँ। चलो लाओ अब्दुल रहमान। लगता है इन पैसों को पता है कि मैं इनको पकड़ने आ रही हूँ। अब मैं खामोशी से पैसे पकड़ने आऊंगी। अरे ये पैसे, अरे इनकी तो से पकड़ ले शैतान किसी ने। मुझे लगता है इन पैसों में कोई और ही चीज है। Oh, no. नहीं मुझे नहीं चाहिए ये पैसे, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। आ गए पैसे। देखा मरवा, मजा आया ना? बहुत मजा आया अब्दुल रहमान, अब शैतान हमें कभी तंग नहीं करेगा। वाह क्या बुद्धि शैतान। चलो अब्दुल रहमान अब हम जाके खेलते हैं।
फ्रेंड्स, दिस इज सहरेश एंड दिस इज लुकमान फ्रॉम दुबई। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जरूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। टेक केयर, मच लव, अल्लाह हाफिज, बाय।